उन्नाव में एक वर्दीधारी पुलिस इंस्पेक्टर का रोडवेज बस में बिना टिकट यात्रा करने का 2 मिनट 44 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टिकट को लेकर बस कंडक्टर को थाने ले चलने की बात करता सुनाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि इंस्पेक्टर की तरफ से 2 बार टिकट लिया गया है, एक कानपुर से उन्नाव तक, दूसरा उन्नाव से नवाबगंज तक का बताया गया है। जबकि इंस्पेक्टर को उन्नाव बाईपास से थोड़ा आगे उतरना था, इसकी शिकायत रायबरेली पुलिस ने परिवहन मंत्री से भी शिकायत की है। रायबरेली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह की पोस्टिंग रायबरेली में है, जिसे एक केस की जांच और एविडेंस के लिए कानपुर और उन्नाव जाना था। बुधवार को इंस्पेक्टर ने कानपुर के रामादेवी चौराहे से बस पकड़ी थी और जिसे दही पुलिस चौकी थाना उन्नाव पर उतरना था। इंस्पेक्टर के साथ बस में उसी समय एक लड़की भी चढ़ी थी। भीड़ होने की वजह से लड़की को सीट पर बैठा दिया गया था। जब बस चली तो कंडक्टर और उसके एक सहयोगी ने लड़की से अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर कंडक्टर बहसबाजी करने लगा, जिसको लेकर इंस्पेक्टर ने कहा कि थाने चलो, वहीं पर बात करेंगे। इस पर उसने हंगामा किया और कहा कि इंस्पेक्टर का टिकट उन्नाव तक ही है, इसलिए यही उतरना पड़ेगा, जिसके चलते इंस्पेक्टर को मात्र थोड़ी दूर जाने के लिए एक टिकट और बनवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि वीडियो बनने के बाद इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्नाव गदन खेड़ा बाईपास स्टॉपेज से दही चौकी थाने तक का 24 रुपए में टिकट खरीदा था, जो कि रायबरेली पुलिस द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। अरे भाई, अब यहाँ से आगे जा रहे हैं तो आप टिकट ले लीजिए ना। टिकट नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ तो टिकट लीजिए आप। आप क्या हैं इसमें बोलने वाले? हम कुछ नहीं है, हम एक पब्लिक है। क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको? आप किसी को नहीं डिस्टर्ब, आपकी वजह सब लोग गाड़ी रुकवाई जा रही है। आप टिकट नहीं ले रहे हैं? आप बता रहे हैं आप थाने पे क्यों टिकट ले? आप बता रहे हैं आप थाने पे टिकट लीजिए। आप उन्नाव में नहीं है? उन्नाव में तो गदन खेड़ा है, उसका अलग स्टॉपेज है। ये उन्नाव बाईपास इसका अलग स्टॉपेज है, और नवाबगंज है वो भी आपका अलग स्टॉपेज है। आप टिकट लीजिए, गाड़ी मत रुकाइए। आप गाड़ी मत रुकाइए, तो कुछ होगा नहीं। आपके कहने से होगा? क्यों क्यों? आप क्या हैं? हम पब्लिक हैं। पब्लिक हैं आप? तो फिर पब्लिक वाला काम कीजिए। आप टिकट लीजिए, आप टिकट बनाइए, आप गाड़ी लगाइए। आप गाड़ी कहाँ बताया था कि बाईपास का टिकट है आगे का नहीं? उन्नाव का नहीं, वहाँ का टिकट है क्या भाई? उन्नाव का सही कर रहा है? नहीं नहीं, सही कर रहा है। आप कर रहे हैं, आप वर्दी का गलत है, वो भी उन्नाव में है। आप वर्दी का गलत प्रयोग कर रहे हैं। हिसाब मत बैठाइए, हिसाब नहीं, आप नेता मत बनिए। आप नेता नहीं, आप परेशान लग रहे हैं। आपकी वजह से आप पैसा दे के जा रहे हैं। अरे टिकट बनाइए आप, सुनो टिकट बनाइए आप। चले क्या कर रहे हैं आप? आज गुंडाई मत करिए, बैठिए चुपचाप। आप क्यों टिकट नहीं ले रहे भाई? आप गुंडाई मत करिए आप, आप इनके सहयोगी मत बनिए। सहयोगी हम नहीं, हम किसी के सहयोगी नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप इसको दबा रहे हैं, आप कहीं नहीं बना, आप दबा रहे हैं इसको। वो भी उन्नाव में है, ये भी उन्नाव में है। सीट भी दे दिया, आप स्टेशन होता है भाई साहब। नहीं, 8 जगह रोका उन्नाव में, मैं फोरमैन हूँ रोड पे। नहीं, 8 जगह रोका जो है, आप अगर दरोगा है मैं फोरमैन, हम मैं बोलूंगा उसको। फांसी थोड़ा लगा रहे हैं उसको। आप क्यों टिकट नहीं बना रहे? आप बिना टिकट के लेके जा रहे हैं भाई? अभी वीडियो वायरल होगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आप पता नहीं है आपको? आप आपको टिकट बनाना पड़ेगा। जबरदस्ती कर रहा है कि हम कर रहे हैं। आप अगर मीडिया वाले लोग बिना टिकट क्यों ले जा रहे हैं? आप टिकट नहीं ले जा रहे हैं? आप बिना टिकट क्यों ले जा रहे हैं? आप फोरमैन से भी सीट नहीं मिल रही, हम पहले गए कि इसको बैठाना लीजिए। आप रोडवेज के फोरमैन से भी बहस कर रहे हैं? आप रोडवेज उन्नाव निकल गया, रोडवेज उन्नाव भी उन्नाव में, उन्नाव आप स्टेशन है, स्टेशन भी उन्नाव में। उन्नाव तो नवाबगंज से पहले भी है आपका, उन्नाव तो नवाबगंज से पहले भी लगता है आपका। हीरो मत बनिए आप, रोज यहीं पे यात्रा हम भी करते हैं। हम भी हम लोग नहीं।